सेकेंड टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड जो कि नेपाल में है, और वो यहाँ से दिख रहा है। अब इसका व्यू देखो गाइस, व्यू देखो गाइस, ये है कंचनजंगा, कितना शानदार। इसके ऊपर जो नदी है, झील है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। जबरदस्त है भाई, नीचे का अगर मैं दिखाऊंगा भाई, अगर तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते, देखो यार कितना सही है। उसके नीचे पता नहीं कितने नीचे है यार, बहुत सारा सिटीज तो सारा क्लाउड से कवर है। Hey, what's up guys? Welcome back to another video, another day, another vlog. So, आज का दिन कुछ ऐसा होने वाला है भाई, बहुत ही फाड़ होने वाला है, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो भाई एक्साइटमेंट लेवल यहाँ तक हो गया, वहाँ जाकर के सारा कुछ हो जाएगा। तो भाई आज का एक्साइटमेंट लेवल ये है कि हमारा जो स्पॉट है, जो आज का डेस्टिनेशन, वो है चंगू लेक। सो अभी यहाँ से निकलते क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आना, उसके बाद हमें फिर रिटर्न भी होना है। तो अभी यहाँ से निकलते फिर रास्ते में बातें करते हैं, तो लेट्स गो। तो अभी हम लोग यहाँ से सफ़र शुरू हो चुका है, गाड़ी में बैठ गए और हम लोग यहाँ पर से चेक पोस्ट क्लियर हो गया। ये कौन सा चेक पोस्ट है? सिक्किम। ये सिक्किम का थर्ड माइल चेक पोस्ट है, क्योंकि अब इसके बाद जो है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहता है, क्योंकि ऊपर चाइना का बॉर्डर है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे गाइस, बहुत ही शानदार है, मतलब अब लग रहा है कि यार अलग ही जगह आ गए, मतलब पहाड़ है और बादल बिल्कुल, और मेरे भैया जी जैसे ड्राइवर साहब ये कह रहे हैं कि बादल के ऊपर रहेंगे। तो अभी कुछ सीन ऐसा था कि उनको कुछ पैसे वैसे वहाँ पर कुछ लगते थे, तो उधर लगा 80 रुपीज़, जो कि आपको हमें ही देना पड़ा, वो ड्राइवर ने दिए। अब बाकी मैं बता दूँ कि अगर आप गैंगटॉक आते, गैंगटॉक तक का मैंने आपको बता ही दिया था क्या सीन है, फिर वहाँ पे क्या आप खर्च करते हो वो आपका पर्सनल खर्च है। उसके बाद अगर आप नथुला जाते हैं, नथुला अगर आप नथुला जाते हैं, यहाँ पर बर्फ़बारी होता है। पहले तो मैं आपको सीन दिखा देता हूँ, क्या गजब का सीन लग रहा गाइस, ये देखो यार, बहुत ही बवंडर लग रहा, बहुत बवंडर भाई, गजब लग रहा। खैर तो अभी मैं बता देता हूँ कि नथुला तक अगर आप जाना चाहेंगे, अगर गैंगटॉक से तो लोकल ट्रांसपोर्ट से, जैसे जैसे हम गाड़ी पे बैठे हैं उस गाड़ी पे अगर सीज़न टाइम पे आते हैं तो तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये लगेगा, ठीक है। और अगर ऑफ सीज़न आते हैं तो 6,000 रुपीज़ समथिंग लगेगा। बट अगर आप हमारे जिस होटल में मैं रुका था उस होटल के थ्रू जाएंगे तो मैं भी आपको कुछ और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसकी श्योरिटी नहीं है कि कितनी मिलेगी, बट कुछ मिलेगा नो डाउट। खैर तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और रास्ते में मैडम लोग यहाँ पे कुछ बेच रही थी कि ऑक्सीजन की कमी होगी, ठंड होगी, तो कपूर दे दिया है। तो ड्राइवर साहब बोलते हैं, पहले तो दिला देते हैं कि ले लो, फिर लेने के बाद बोलते हैं आपको नहीं लेना था क्योंकि ये तो बुढ़े को काम आता है, आपको क्या काम है अगर उसको सूंघना है। मैं चलो बुढ़ा ही के बन जाऊंगा ऊपर में, अगर खुदा ना खास्ते कुछ हो जाए, ऐसा अल्लाह ना करे हो। बट यार फिर से सीन देख लो यार, गजब का नज़ारा यार, दिस इज रियली वाओ, अमेजिंग अमेजिंग गाइस। और यहाँ पर देख सकते हो पूरा का प्यूरा इंडियन आर्मी है यहाँ पे, बहुत सही लग रहा है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। और ऊपर अभी धूप दिख रहा है, बहुत कड़े वाला धूप, तो वेदर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट मैं एक्चुअली में देखो ये धूप वाला वेदर मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, कोई भी फोटोग्राफर हो, कोई भी ब्लॉग हो, उसको धूप वाला वेदर ऑब्वियसली अच्छा लगेगा क्योंकि उसकी वीडियो अच्छी आएगी। बट आज मुझे नहीं चलेगा, क्या आज इसकी इजाज़त नहीं देंगे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch. Hey guys, तो अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर आए हैं यहाँ पे, और पीछे में देख सकते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वगैरह का ये बना हुआ पूरा रोड जो मैंने अभी जस्ट बताया था। तो ये बहुत ही शानदार लग रहा है, यहाँ पे ऊपर आते ही धूप आ गई है, पूरा क्लाउड नीचे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही कड़ा धूप है। हमारा पीछे का यार बैकग्राउंड देख सकते हो, अल्टीमेट भाई, दिखने में इतना खूबसूरत। मैंने बोला भाई ड्राइवर को बोला भाई गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो भाई, यहाँ पे यार बहुत सही शो। देखो यार क्या ही यार, लोग देखो सब फोटो के फोटो खिंचा रहे यार,
जबरदस्त है। और भाई नीचे का अगर मैं दिखाऊंगा भाई, अगर तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हो, देखो यार कितना सही है। उसके नीचे पता नहीं कितने नीचे है यार, बहुत सारा सिटीज तो सारा क्लाउड से कवर है। तो लेट्स गो, अभी अभी यहाँ से चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या और ऊपर में। बहुत ही एक्साइटमेंट चीज़ सब है, एक से व्यू है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखो, और भाई अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ी मेहरबानी होगी। तो अभी यहाँ से चलते हैं, तो लेट्स गो। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. गाइज ये जो आप देख रहे हो यार, ये फ्लैग का एक अपना सीन है। फिर मैं कंफ्यूज था कि इतने फ्लैग क्यों लगते हैं, मतलब ये डेकोरेशन के लिए तो नहीं हो सकता। बट यहाँ पे पता चला है कि जब बुद्धिस्ट लोग कोई एक बंदा का कोई डेथ होता है तो उसकी बदले में 108 फ्लैग लगता है ना, 108 फ्लैग्स यहाँ पर होस्ट किए जाते हैं। तो सोच लो यार कितने सारे फ्लैग है यार। तो ये कुछ, ये देखो यहाँ पे कुछ पहाड़ का माइंस वगैरह का काम चल रहा है यार। बादल तो यार देख रहे हो कितना करीब आ गया। तो ये फ्लैग्स के बारे में पता नहीं था, पता नहीं आपको पता था कि नहीं। चलो अगर पता, जिसको पता नहीं है यार ये वीडियो शेयर करो, उसे भी पता चल जाएगा ताकि आगे तो पहुँचे। यहाँ तो कम्प्लीटली बस फ्लैग ही फ्लैग होस्ट हुए हैं। गाइस अब जो मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो बिल्कुल बहुत ही रेयर और कभी कभी दिखता है। अब देख के शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भाई अब मैं सरप्राइज हो गया, मैं शॉक्ड हो गया बिल्कुल देख के। तो भाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कंचनजंगा। भाई ये है सेकेंड टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो कि नेपाल में है। और वो यहाँ से दिख रहा है, इसका व्यू देखो गाइस, व्यू देखो गाइस, ये है कंचनजंगा। कितना शानदार है गाइस, कितना शानदार है गाइस, लाइक सीरियसली यार ये तो हमें, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये दिखेगा भी मुझे। मैं सोच रहा था कि शायद दिख जाए, लाइक कि अगर मौसम साफ होगा तो। तो भाई ये है सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड विच इज कंचनजंगा। वाओ, दिस इज कंचनजंगा। I like it यार, गजब का सीन लग रहा भाई। ऐसा लग रहा है क्या कि कोई आसमान में बादल के ऊपर एक पहाड़ हो गया यार, मतलब बिल्कुल यार अमेजिंग यार। आप मेरे पीछे देख सकते हो यार, बहुत ही बवाल लग रहा है, इतना परफेक्ट और ब्यूटीफुल सीन यार मैंने कभी नहीं देखा, लाइक नेवर। और थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, किसी किसी का कान बंद हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, कभी ऊपर आओ तो च्युइंगम वगैरह रख लेना, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो भाई बिल्कुल सोच रहा था कि वहाँ जाऊँगा, मुझे देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, वेदर ख़राब होने के बाद से नहीं दिखता, बट ये आज मुझे दिख गया फाइनली गाइस। अमेजिंग यार, ये देखो यार बर्फ पूरी जमी पड़ी है यार। अभी धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे जा रहे पूरा का पूरा बर्फ दिख रहा है गाइस। अभी कंचनजंगा देख के ही हटा और एक नए कंचनजंगा में ऐसा लग रहा प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। और यार सबसे बड़ी चीज यार यहाँ के यार रोड को कटिंग करके, पहाड़ को मतलब कटिंग करके रोड बनाया यार, बहुत शानदार लग रहा है यार। ये देखो बर्फ। हे गाइस, तो अभी हम लोग एक जगह पे यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पे बोर्ड एक लगा हुआ 15th माइल। सो यस, यहाँ पे 15th माइल है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, और मतलब टॉयलेट वगैरह अगर किसी को कुछ यूज़ करना है तो कर सकते हो। बट द थिंग इज, सबसे मेन चीज़ आपको बताने का, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मिलते हैं आपको रेंट पे कपड़े। ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रहा है, गिर रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, तो यहाँ से आप रेंट पे ले सकते हो। सीज़न के टाइम पे आओगे तो 150 मिलेगा, ऑफ सीज़न आओगे तो 100 रुपीज़ मिलेगा।
तो यहाँ पे जितने भी लाइक देख रहे हो शॉप्स, ये सारे के सारे शॉप में आपको खाने का सामान मिल जाएगा, पीने का मिल जाएगा, वॉशरूम्स वगैरह और सारे कपड़े वगैरह मिल जाएंगे जो भी आपको लेना है, हैंड ग्लव्स, जैकेट्स, कुछ भी ए टू जेड सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो भाई टेंशन, बिना टेंशन को घर पर छोड़ के आओ यहाँ पे, बिल्कुल बिंदास होकर के। ऐसा नहीं सोचना कि भाई कपड़े नहीं है तो नहीं जाएंगे, आ जाओ यार, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड यू। और रही बात यार नज़ारे, तो भाई साहब नज़ारे तो अद्भुत अद्भुत अमेजिंग, लाइक गजब के नज़ारे हैं। तो अभी लाइक गाइस दोस्तों यहाँ पे कोई चुंगम्स वगैरह ले रहे क्योंकि किसी के कान वान बंद हो रहे, तो यहाँ पे चुंगम्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यस अभी यहाँ से सब कुछ लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। धूप तो बहुत सॉलिड हो रखा है और बर्फ़ भी काफ़ी पिघल चुका है, तो आई डोंट नो कि ऊपर कहाँ कितना मिलेगा। और यहाँ पे जो पानी बह रहा है ये भी आई गेस ऊपर से ही आ रहा है बर्फ़ पिघल के पे। तो अभी चलो लेट्स सी व्हाट वी कैन सी, तो सॉलिड को देख रहे हैं। हरभजन सिंह का ये स्टैचू है जो कि कहा जाता है कि जब यहाँ पे सब सो जाते हैं तो ये यहाँ पे पहरा देते हैं पूरे पहाड़ में, और जो भी चाइना में क्या हो रहा नहीं हो रहा है वो ये सारी चीज बताते हैं। तो अभी जो ये जगह देख रहे हो, ये जगह एक्चुअली में एक समारोह, एक समारक इसको क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है जो कि एक हमारे आर्मी ऑफिसर थे हरभजन सिंह, जिन्हें यहाँ पे लापता हो गए थे, जिनकी कोई अभी तक कुछ पता नहीं चला, तो उनकी याद में एक यहाँ पे स्टैचू उनका बना दिया गया। कहा जाता है कि अभी भी चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे वो अभी भी यहाँ पे पहरा देते, आर्मी ऑफिसर है यहाँ पे, वो सारे के सारे यहाँ पे एक बार उनको सैल्यूट करते हैं। तो ऐसे हमारे आर्मी ऑफिसर को हमारी सब्सक्राइबर की तरफ से सैल्यूट है बहुत बड़ा। ये एक चीज़ हमने नोटिस किया है, यहाँ पर हमारे मोबाइल के जो टाइम होता है, हमारे मोबाइल के टाइम में चाइना का टाइम आ गया है, तो तकरीबन अभी हमारा 10:30-11 बजता होगा, बट यहाँ पे अभी हमें 1:30 दिखा रहा है, 1:30 PM, तो यहाँ पर चाइना के टाइम आ गया हमारे फ़ोन में। तो ये गजब सा चीज़ था भाई। तो गाइज ये देख सकते हो, ये पीछे में सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग जो दिख रही है ये है नाथुला, जिसके जस्ट पीछे एग्जैक्टली बिल्कुल वो चाइना का बॉर्डर है। तो गाइज नाथुला के पीछे से चाइना का बॉर्डर है जहाँ से चाइना फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये बस जो ऊंचे वाला पहाड़ है वही नाथुला है। तो यार मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पर जा नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं है, लाइक वहाँ पर सिर्फ बॉर्डर है, वहाँ पर आर्मी वगैरह है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। और ये जो छोटे छोटे देख रहे हो घर, जितने भी रास्ते में मिले थे, ये आर्मी कैंप है, यहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं चंगू लेक, है ना भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चंगू लेक, फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ से सीन देखो यार, बहुत ज़बरदस्त सीन है यार, बहुत ज़बरदस्त, मतलब अमेजिंग यार। और आप जो सामने में देख रहे हो वो छोटा छोटा घर, तो मैं उसका बता दूं कि यार ये जो छोटा सा घर है, ये पहले ना इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता था, तो उसी के लिए बनाया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हो रहा है, जिसके कारण मे बी वो बंद होगा। तो देखिएगा इसका ना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है उसका, छोटे छोटे घर बने हुए और बहुत ही गजब का फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हमारे पीछे देख रहे हैं ये चंगू लेक है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं दिखाता हूँ कि इसके जो देख रहे हो चंगू लेक, इसके ऊपर जितने जो नदी है, जो भी है झील है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अभी वहाँ पर चलेंगे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये जगह। तो इसको काफ़ी ठंड है यहाँ पर यार, धूप होने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ सर हो जा रहा है बिल्कुल। तो अभी लेट्स गो यार, वहाँ पर चलते हैं। हे गाइस, हम लोग आए थे बर्फ़ देखने, बट बर्फ़ की जगह पे हमने बर्फ़ का कीचड़ देख लिया है। तो देख सकते हो गाइस, ये है बर्फ़ का कीचड़,
जो कि उखड़ भी नहीं रहा यार, बिल्कुल जमा हुआ बहुत सॉलिड सा, देख सकते हो यार बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहा है यार हाथ, तो इसे तो मैं ले लूँगा। हे गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं चंगू लेक, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही गजब का सीन है और यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ लगा मुझे ये यार, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक लाइन से याक है बड़ी भी, और इसको याक ही बोलते हो ना यहाँ पे, इसका हाँ इसका याक है, याक ही बोलते हो ना, कि क्या अपने लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो? ये हिंदी में, नेपाली में चौरी गाय बोलते हैं, चौरी गाय। हाँ, ओके भाई, तो ये याक है, इन लोग भी चौबड़ी गाय फीमेल को बोलते हैं, तो बट मैं इसको बता दूं कि अगर इसका राइड करते हो आप तो 650 रुपीस लगेगा, जो कि नथुला गेट ऊपर बना हुआ है वहां तक लेके जाएगा, और अगर इस पे फोटो खिंचाते हो तो उसका 100 रुपीस लगेगा। क्या भाई, सही बोला, 100 में थोड़ा हिला देगा यार, यहाँ पे घुमा देगा एक चक्कर, साथ फेरा लगा देगा, तो बहुत सही। और पीछे जो देख सकते हो यार चंगू लेक, जो कि पूरा फ्रोजन हुआ भाई यार, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यार, अमेजिंग, मतलब देख सकते हो गाइस ये अभी थोड़ा सा पिघल गया, देख सकते हो बर्फ, आप देख सकते हो यार, मतलब देख रहे हो कितना फ्रीज हुआ हुआ, पूरे के पूरे में फ्रीज हुआ बर्फ, और पीछे से देख रहे हो एक पानी बहते हुए आ रहा पूरा वो भी बर्फ से जमा हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल हम ज़्यादा दिन यहाँ पर रुकेंगे नहीं, काफ़ी लेट हो गया हमें और हमें यहाँ से निकलना भी है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं गाइस। ये जो नज़ारा देख रहे हो हमारे पीछे, हमारा तो पता नहीं पीछे से शन आ रहा है, तो अच्छा ऑब्वियसली फोटो ब्लैक आता होगा, तो ये जो चंगू लेक है यहाँ ज़रूर आओ, बहुत सारे गैंगटॉक से आपको मिल जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आप आओ और याक की सवारी करना, यहाँ पर याक के ट्रैवल करना, तो भाई करो यार, मज़ा हिला डला के जाएगा, अपन को तो जाना नहीं है, काफ़ी डर लगता है और टाइम भी नहीं है अपन के पास, तो अपन चलता है यहाँ से वापस नीचे की ओर गैंगटॉक। ओके गाइस, तो अभी यहाँ से चलो। हे गाइस, तो आज का दिन बहुत सही रहा, हम लोग वहाँ से वापस आ गए, बहुत ही ज़बरदस्त था चंगू लेक, और ऊपर में गए थे जो हरभजन सिंह के वो स्टैचू पे, और ओवरऑल साइड व्यू जो था सबसे बेस्ट था अब तक का कंचनजंगा, बहुत ही ज़बरदस्त, सबसे बेस्ट वही था, मेरा तो वहीं से लगा कि डेस्टिनेशन कंप्लीट हो गया भाई, उसके ऊपर जाने का मन ही नहीं था, तो वो सबसे बेस्ट था, मुझे अच्छा लगा। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरीके से एक अच्छे नए एडवेंचर पर जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती के साथ आप लोगों को एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन भी दें, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब खैर, शुभ रात्रि, बाय।